रक्षा बदलने वाले एटमी धमाके का चौथा अंदेश है। पेंटागन के एक बड़े जनरल ने चेतावनी दी है कि हार से बचने के लिए रूस की ओर से परमाणु हथियारों का इस्तेमाल पूरी तरह संभव है। अमेरिकी सेना के अंतरिक्ष और मिसाइल रक्षा कमान के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ केविन रियान ने कहा है कि यह संभव है कि रूसी नेता पश्चिम के खिलाफ अब सबसे बड़े हथियार का इस्तेमाल करेंगे। व्लादिमीर पुतिन का परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हार से बचने के लिए करने की संभावना अब सबसे ज्यादा है। चौदह दिसंबर को रूस की फेडरल असेंबली में पुतिन बोलेंगे तो कोई बड़ा ऐलान ही करेंगे, क्योंकि पुतिन ने जब जब ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है तब तक कुछ बहुत बड़ा और जंगी ऐलान किया है। मार्च 2014 के वार्षिक भाषण में पुतिन ने क्रीमिया जीतने का ऐलान किया था। 2021 के अंत में पुतिन ने यूक्रेन को नाटो से दूर रहने की चेतावनी दी। अप्रैल 2022 में पुतिन ने कीव ओब्लास्ट और उत्तरी यूक्रेन पर बड़े हमले की घोषणा की और अब 14 दिसंबर 2023 को पुतिन इस युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन इस घोषणा से पहले यूक्रेन और दूसरे यूरोपीय देशों में रूस एटमी मिसाइलों का कहर बरसा सकता है। अगर एटमी हमला हुआ तो तय है कि रूस का परमाणु वॉरहेड आर्कटिक की तरफ से आएगा। नई खबर यह भी है कि आने वाली जंग के लिए रूस ने अपने न्यूक्लियर आइस ब्रेकर को नए हथियारों और एटमी मिसाइलों से लैस कर दिया है। आर्कटिक के बर्फीले समंदर पर रूस राज करता है। सरमत जैसी दुनिया की सबसे विनाशक मिसाइलें रूस ने आर्कटिक की बर्फ में ही तैनात कर रखी है। इसी बर्फीले समंदर के नीचे रूस की न्यूक्लियर सबमरीनों में भी एटम बम से लैस मिसाइलें। और अब रूस परमाणु संचालित आइस ब्रेकर से तबाही मचाने को तैयार है। दुनिया के किसी भी दूसरे देश के पास रूस से ज्यादा न्यूक्लियर आइस ब्रेकर नहीं है। अमेरिका भी अपना पहला परमाणु संचालित आइस ब्रेकर बनाने की कोशिश कर रहा है और रूस के पास 11 परमाणु संचालित आइस ब्रेकर हैं, जिनमें से 7 हर वक्त आर्कटिक में तैनात रहते हैं। रूस ने अपने आइस ब्रेकरों को 76 mm की गन और तोपों से लैस कर दिया है। पुतिन की न्यूक्लियर मिसाइलों, न्यूक्लियर सबमरीन और बॉम्बर की तरह पुतिन के न्यूक्लियर आइस ब्रेकर भी परमाणु विनाश कर सकते हैं। पुतिन की दिसंबर वाली प्लानिंग बहुत घातक है। अगर एटमी जंग छिड़ी तो 15 मिनट यानी सिर्फ 900 सेकंड में धरती का बड़ा हिस्सा खाक हो जाएगा, क्योंकि अगर अब एटमी जंग छिड़ी तो सिर्फ एक या दो एटम बम नहीं चलेंगे। जमीन के अंदर छिपी मिसाइलों के, समंदर में छिपी सबमरीन से, बर्फ को काटने वाले आइस ब्रेकर से और हवा में उड़ते बॉम्बर से एटम बमों की बारिश हो जाएगी और इस एटमी बारिश का बड़ा खतरा बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अगले 10 दिनों में यूरोप परमाणु तबाही देखने वाला है। क्या 14 दिसंबर से पहले न्यूक्लियर जंग छिड़ने वाली है? नाटो महासचिव के बुरी खबर वाले बयान का मतलब क्या है? और 14 दिसंबर को राष्ट्र के नाम संबोधन में पुतिन क्या कहने वाले हैं? भयानक ठंड में एटमी हमले के कयासों का बाजार गर्म है। इस बीच क्रेमलिन से एक और बड़ी खबर आई है।
पुतिन ने रूस की सेना को तेजी से बढ़ने का आदेश दिया है। पुतिन ने रूस के 170,000 जवानों की एक नई सेना बनाई है। नई भर्ती के लिए क्रेमलिन ने शुक्रवार को राष्ट्रपति पुतिन का आदेश जारी कर दिया है। नई भर्ती के बाद रूस की सेना में 22 लाख से ज्यादा सैनिक हो जाएंगे। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद 2022 में भी पुतिन ने 140,000 सैनिकों की नई भर्ती का आदेश दिया था। रूस में ढूंढ ढूंढ कर जवानों को सेना में शामिल किया गया था, लेकिन अब दूसरी बार पुतिन ने सेना बढ़ाने का आदेश दे दिया है। मतलब साफ है, पुतिन बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं। 14 दिसंबर को इस जंग का ऐलान बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दिसंबर से पुतिन यूक्रेन में फाइनल ऑपरेशन लॉन्च करेंगे और नेटो को डर है कि पुतिन के अंतिम प्रहार का मतलब परमाणु हाहाकार ही होगा। पहली बार नेटो चीफ ने यूक्रेन को लेकर बहुत बड़ी खबर देने की चेतावनी दी है और पेंटागन से लेकर क्रेमलिन तक से अगले 10 दिनों में एटमी जंग शुरू होने के सिग्नल्स मिल रहे हैं। और इसी बीच क्रेमलिन के ओर से बयान आया है कि पुतिन नेटो पर हमला करके सिर्फ 15 मिनट में युद्ध जीतने का तरीका जानते हैं। तो क्या अगले 10 दिनों में महाविनाश के वो 900 सेकंड्स आने वाले हैं? Если не применить первый, ни при каких обстоятельствах, значит, в случае нанесения ядерного удара по нашей территории. Чотого десамбар 2023. Юкрейн пар Путин ка ахри прохар. यूक्रेन को अब एक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में नहीं रहना चाहिए। दुनिया का नक्शा बदल जाएगा, यूरोपीय देशों की सीमाएं फिर से खींची जाएंगी। चौदह दिसंबर 2023 एटमी जंग की काली तारीख। हमें बुरी खबरों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। राष्ट्रपति पुतिन की जीत यूक्रेन के लिए त्रासदी तो बनेगी ही, हमारे लिए भी खतरनाक होगी। दिसंबर 2023 यूक्रेन युद्ध का अंत होगा या तीसरा विश्व युद्ध प्रारंभ होगा? पुतिन को पहले धमाके के 15 मिनट के अंदर जंग जीतने वाला फॉर्मूला पता है। युद्ध के 15 मिनट में बाल्टिक राज्य रूस के हाथों गिर जाएंगे। क्रेमलिन में आपातकाल, पुतिन का फोन स्विच ऑफ।
मैं सबको कहना चाहता हूं कि रूस पर न्यूक्लियर स्ट्राइक बर्दाश्त नहीं होगी। अगर किसी ने हमारी ओर न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च की तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि ये कहां से लॉन्च हुई, वो कहीं से भी हो, लेकिन उसके जवाब में हमारी 100 परमाणु मिसाइल लॉन्च होंगी। और दुश्मन के पास बचने का कोई मौका नहीं होगा। पुतिन का रेड अलर्ट, 10 दिन तक डोंट डिस्टर्ब। चौदह दिसंबर को पुतिन उद्घोष, बाइडेन के घर में एनविस 4।